पहली बात तो ये मैसेज इग्नोर कर दो, ये मैंने नहीं किया है, आई डोंट नो किसने किया है ये। मैं तो बहुत साफ रखती हूँ अपना कमरा। और दूसरी बात, अभी हम लोग जा रहे हैं आई थिंक सो मेट्रो मार्ट या फिर वॉलमार्ट, और हम लोग शॉपिंग करके आएंगे सारा जो एक साल का सामान है जो मुझे लेके जाना है उज़्बेकिस्तान, जो कि वहाँ पे नहीं मिलता, मसाले वगैरह वो सब मुझे लेके आने हैं। सो आई विल टेक यू विद मी शॉपिंग एंड आई विल शो यू ऑल व्हाट आई ब्रॉट। मैंने लिस्ट बना रखी है पूरी, इसमें लेट मी शो यू द लिस्ट कि मुझे क्या क्या लेके आना है जो मुझे अभी फ़िलहाल याद आया, वहाँ जाके देखते हैं और क्या क्या याद आता है। ओके गाइस, सो ये ज़्यादातर मेरे मसाले ही हैं, छोले मसाले, पनीर मसाला, सांभर, ये वो, मखाने। मखाने मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं आधे लोगों को पता नहीं होता मखाने क्या होता है, जिसको नहीं पता है प्लीज़ सर्च। अपना सामान लेने आई थी पैकिंग वाला, और मम्मा पापा अपने में लग गए हैं और अपना सामान ले रहे हैं। सो गाइज, मेरा जो लगेज लिमिट है फिलहाल डोमेस्टिक के लिए वो है 15+7 और इंटरनेशनल के लिए 23+7। तो यहाँ से मैं तो सिर्फ 15 kg ले जा पाऊँगी, और फिर मुझे 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 6, 7, 8 kg जो है वो मुझे, मैंने मतलब मैंने किसी और के थ्रू दिल्ली एयरपोर्ट पे मंगाया है, सो वहाँ पे मैं 8 kg ऐड करूँ, क्योंकि मैं एक भी किलो कम नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारा सामान ले जाना होता है, पूरे साल भर की चीज़ें भर के ले जानी पड़ती हैं मुझे यहाँ से, सो आई डोंट वॉन्ट टू लीव एक भी किलो। और मैं ट्राई करती हूँ एक्सेस ले जाने का इसमें उसमें भर के थोड़ा बहुत। सो गाइज, दीज आर द टू लगेजेस, इसमें अपना सामान पैक करूँगी एंड इसमें मैं 23 kg खाने का सामान भर के ले जाऊँगी, और इसमें मैं जो है सिर्फ क्लोथ्स भर के ले जाऊँगी 7 kg, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था। और खाने का सामान वहाँ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी रियली डोंट गेट स्पाइसेज एंड ऑल ओवर देयर, सो वो सब मुझे यहीं से भर के ले जाना पड़ता है। और कुछ दाल वगैरह भी नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो मैं यहीं से भर के ले जाती हूँ। गाइज, तो हमें ये सारा सामान खाने पीने का इस बैग में फिट करना है। इसका जो वेट है वो 23 kg रहेगा, तो ये 23 kg से कम ही लग रहा है मुझे। चलो इसको पैक करते हैं और फिर देखते हैं। मेरी हेल्प के लिए मेरी मम्मी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो सारा सामान पैक करेंगी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या ज़रूरी है वहाँ पे ले जाने के लिए। तो दाल, क्योंकि वहाँ पे ये दाल नहीं मिलती है, तो दाल ले जाना ज़रूरी है। मखाने तो नहीं मिलते, पर ये मुझे पसंद है इसलिए मैं ले जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। और ये पास्ता ले जा रही हूँ मैं, ताकि इंस्टेंट पास्ता मैं 2 मिनट में बना सकूँ। ये ये मेरी लिस्ट थी, इसमें से ज़्यादातर सामान आ गया, ज़्यादातर खाने पीने का ही सामान है, थोड़ा बहुत सामान अभी रह गया। मैगी का एक ही पैकेट ले जा रही हूँ, वैसे तो मुझे पूरा बैग मैगी से भर लेना चाहिए, पर एक ही ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर नूडल्स मिलती है जो मैं खा सकती हूँ। हाँ, ये दिखाऊँगा, ये मैं ओट्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है नाश्ते का टाइम नहीं होता नाश्ता बनाने बनाने का, सो यू कैन ईट ओट्स बहुत आसान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मसाले, जो कि उज़्बेकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मिलते। मुझे कई सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि क्या क्या पैक करके ले जाना है, तो मसाले तो रख लेना है जितने मसाले, बस हल्दी, मिर्च और धनिया मिलती है उज़्बेकिस्तान में, बाकी ये सब मसाले अगर खाना बनाना है, खुद से कुकिंग करनी है, तो यहीं से लेके जाना पड़ेगा। मैं पिछले साल भी लेके गई थी और बहुत ज़्यादा यूज़ में आए थे। गाइस, ये मैंने सारा सामान पैक कर लिया है और मुझे बहुत कम सामान लग रहा है, क्योंकि पिछली बार मेरा बैग जो था इससे बड़ा बैग था और वो दोनों साइड से भरा हुआ था। इस बार ये सिर्फ एक साइड पे भरा है, पर इस बार वेट लिमिट भी कम है। पिछली बार 30 kg था, इस बार 23 ही है, और डोमेस्टिक वाले पे तो सिर्फ 15 है। तो ये मेरा सारा हो गया, अगर ये 15 से कम होगा तो अभी मैं इसमें और भी सामान, मेरी लिस्ट में बचा हुआ है कई सारी चीज़ें, वो लेके आऊँगी और उस बैग को अब हम पैक करेंगे, कपड़े भरेंगे, और मुझे लगता है वो 7 kg से ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे कपड़े हो गए। गाइस, अब हम लोग इसका वज़न करने वाले हैं, इसके ऊपर रखे, मैं पता नहीं पिछली बार भी 10-12 kg, मुझे लगता है ये इसके ऊपर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। चलो होगा, ये तो सिर्फ 11 kg हुआ है। अब इस बार क्या है, मैं एक ही पैकेट नमकीन का ले जा रही हूँ, पिछली बार मैं 3-4-5 पैकेट नमकीन के भर के ले गई थी। हाँ, 2-3 ये थे,
हल्दीराम वाले, और पता नहीं कौन कौन सी मैं नमकीन भर के ले गई थी, क्योंकि वहाँ पे नमकीन वगैरह कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मीठा ही ज़्यादातर स्नैक्स में चलता है वहाँ पे। तो इस बार मैंने सिर्फ एक ही पैकेट रखा था, क्योंकि मैंने सोचा था एयरपोर्ट से खरीद लूँगी, क्योंकि पिछली बार बहुत इशू हुआ था वहाँ पे एयरपोर्ट पे। लेकिन अभी तो ये सिर्फ 11 किलो है, 4 किलो है, तो मैं सोची इसमें 4 किलो नमकीन भर लूँ और अपना बैग ले जाऊँ। गाइज ये है चिकन नूडल्स जो मैं लेके आई थी, मैंने सोचा था घर पे बना के खाऊंगी, पर मेरी मम्मी चिकन नहीं खाती है। इसमें सिर्फ चिकन फ्लेवर है मम्मी, चिकन नहीं है उसमें। गाइज ये सब कपड़े हैं मेरे जो मैंने मंगा लिए पूरे साल भर पहनने के लिए वहां पे, ज्यादातर स्वेटर वगैरह मंगाए हैं, ये हम अब इसमें पैक करते हैं। चलो चलो मम्मी करो, मैं बस आपको देखूंगी। आपका क्या कहना है इस टी शर्ट पे, आपको कैसी लगी है? बहुत बढ़िया है। सच सच बता, दो दिन पहन के अभी वापस करोगी स्टॉक की तरह? गाइस वो टॉप पहने सिर्फ एक बार पहन, एक दो बार पहना है, एक बार बर्थडे पे और एक बार, और वो वहां पड़ा हुआ है बेचारा, वापस आ गया है वो उज़्बेकिस्तान से। मम्मी आप इस टॉप के बारे में क्या कहना चाहती हो? किस एंगल से ये टॉप लग रहा है, हर एंगल के निकल भी मत जाना। टॉप है ये, मैंने पिछली बार बिना मम्मी को बताए ये खरीद के ले गई थी। किस एंगल से टॉप लग रहा है भाई? हर एंगल से अच्छा लगता है पहनने पे बहुत, समझी? हाँ, पहनना भी नहीं खुला है मैं। अच्छा। हम लोग ने पूरे कपड़ों की पैकिंग कर ली और ये सब गू निकला है सारे पैकिंग करने के बाद, और मेरे कपड़ों का वजन हो गया है 5, 6, 7, 8 किलो, जबकि हमें सिर्फ 7 किलो लिमिट है, पर मुझे लगता है इतना कोई दिक्कत नहीं होगी 1-1 किलो में। सो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं स्पेंसर से, और मैं बहुत सारा ढेर सामान लेके आई हूँ, सो लेट्स पैक टुगेदर और फिर मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या है। ओके तो मैं अब आपको बताऊंगी कि क्या क्या सामान ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जो मतलब हर बार लेके जाती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराशूट ऑयल क्यों लेके जा रही हूँ मैं, वहाँ पे कोकोनट ऑयल मिलता है पर थोड़ा सा महंगा होता है इंडिया के कंपैरिजन में, और कभी कभी मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। ये क्या वहाँ पे नहीं मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे मिलता है, पर क्योंकि मुझे पैसों की बचत करनी है इसलिए मैं इसको यहाँ से लेके जा रही हूँ। और नमकीन, इम्पॉर्टेंट बात यह कि वहाँ पर नमकीन नहीं मिलती हैं, तो अगर आप नमकीन के शौकीन हैं मेरी तरह तो ये ले जा सकते हो, ठीक है। मसाले वगैरह नहीं मिलते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी, तो वो सब ले जा सकते हो, जो भी चीज़ आपको खा, अगर कुकिंग खुद से कर रहे हो, इंडियन मेस है वहाँ पे तो आप इंडियन मेस ज्वाइन कर सकते हो, पर मुझे इंडियन मेस का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत रद्दी वाहियात और घटिया खाना बनाते हैं वो लोग, तो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। और इसीलिए मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यहाँ से लेके जा रही हूँ, और ये सब जो रेडी टू ईट फूड ज़्यादा ज़्यादा पैक कर रही हूँ, क्योंकि कुकिंग का मुझे समय ज़्यादा मिलता नहीं है वहाँ पे। और टॉयलेट्रीज वगैरह जैसे कि सोप या फिर कुछ आप ले जा सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है टॉयलेट्रीज वगैरह वहाँ पे मिलती, पर क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी कम था तो मैंने सोचा यहीं से टॉयलेट्रीज वगैरह ले लूँ, वहाँ मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। सो मेरे बैग का वजन है 14 kg यहाँ पे, और उधर जाके 1-2 किलो अप डाउन हो सकता है, और सारा सामान मैंने रख लिया, ज़्यादातर खाने का ही सामान है इसमें, मेजर बिस्किट्स हैं कुछ जो मुझे पसंद है जो वहाँ नहीं मिलता, और नमकीन वगैरह है, और मसाले, ये जो है मेन सामान है।